कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव शिल्पा शिंदे पर भद्दा कमेंट करके फंस गए। अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब स्लैम कर रहे हैं, उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में राजू श्रीवास्तव ने कलर्स के शो एंटरटेनमेंट की रात में शिल्पा शिंदे पर एक ऐसा कमेंट किया जो अब बवाल बन चुका है। दरअसल शो के दौरान राजू श्रीवास्तव ने यहाँ एक कॉमेडी शो किया, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस देते वक्त राजू ने एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पर एक भद्दा कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो घर के बाहर आओ, शक्ति कपूर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस फिर क्या। इसके बाद राजू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब राजू के मुंह से निकली शिल्पा के लिए ऐसी बात सुनकर शिल्पा के फैंस आग बबूला हो गए हैं। अब बवाल को बढ़ता देख राजू श्रीवास्तव ने भी माफ़ी मांग ली है। अपने FB अकाउंट पर राजू ने शिल्पा से माफ़ी मांगते हुए पूरी सफाई दी। ये देखिए राजू श्रीवास्तव का वो पोस्ट। राजू ने लिखा है, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट पढ़कर काफी दंग रह गया हूँ। मैं इस मुद्दे पर अपनी सफाई देना चाहता हूँ। मैं किसी भी महिला का अपमान कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं एक पति हूँ और एक बेटी का बाप। मेरी नज़र में महिलाओं की बहुत इज्जत है, मेरी नज़रों में शिल्पा शिंदे की भी उतनी ही इज्जत है। मैंने उनके साथ काम किया है, मेरे डायलॉग को एडिट किया गया है। मेरा डायलॉग था, तुम्हें माँ बनने का इतना शौक है तो बाहर निकल, शक्ति कपूर तेरा इंतजार कर रहा है अपनी माँ बनाने के लिए फिल्मों में, और वो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपनी फिल्मों में तुम्हें माँ बनाने को तैयार हैं। राजू का कहना है कि चैनल कलर्स ने उनके डायलॉग के साथ छेड़खानी की है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अब माफ़ी मांग ली है, क्योंकि उनके डायलॉग की वजह से ही शिल्पा और उनके फैंस को परेशानी हुई है। वेल, अब हम उम्मीद करते हैं कि राजू के इस क्लैरिफिकेशन के बाद शिल्पा के फैंस शांत हो जाएंगे और उनके इस माफीनामे से काफी हद तक कन्विंस्ड होंगे। इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।